राजस्थान विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने विनियोग और वित्त विधेयक पर अपना जवाब पेश किया है, जिसमें उन्होंने बजट के बारे में विपक्ष को जवाब दिया है। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कई अहम घोषणाएं भी की है। ये घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के अलावा है, जिसे भजनलाल शर्मा ने सदन में ऐलान किया है। इसमें रोजगार से लेकर निर्माण कार्य और परिवहन जैसे सभी मुद्दों पर अहम ऐलान किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की है। सीएम भजनलाल शर्मा की 10 अहम घोषणाएं। सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 1,000 करोड़ की राशि के बजट की घोषणा। 10,000 की आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ सीमेंट सड़कों के निर्माण की घोषणा। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस की घोषणा की गई थी, इस संख्या को बढ़ाकर 1,000 इलेक्ट्रिक बस की घोषणा। सीएम की युवाओं को सरकारी भर्तियों में सीईटी पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और एसटीएससी 35% करने की घोषणा। सभी राशन कार्ड धारकों को ₹450 में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान। भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया का किया जाएगा सरलीकरण। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियमों में होगा बदलाव। 35% अंक प्राप्त करने वाले एससी एसटी विद्यार्थी दे सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा। पेयजल सुविधा हेतु 540 करोड़ लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। श्रीगंगानगर और कोटा में कैंसर के मरीजों के लिए अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त जिला म्यूनिसिपल नियुक्त किए जाने की घोषणा। बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को प्राधिकरण का दर्जा देने की घोषणा। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार का ये सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है।